ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल एयूएबी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय गोरखपुर के प्रांगण में तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल में गोरखपुर और महाराजगंज के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान नित्यानंद मिश्र, आर पी शाही, मनोज वर्मा, अनूप पांडे आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गोरखपुर राजेश प्रताप मल ने कहा, देखिए जनता किसे कहते हैं, किसी भी चीज को हमारे बीच बढ़ती है। मिश्रा तो जैन शेख साहब अगर बैठे होते हैं मेरे सामने कल रात में, क्या मतलब है कि उनकी तरफ से ये बहाना भी हो सकता था कि हमारा ड्राइवर है नहीं, क्योंकि वो ट्विलर रखे नहीं है, ड्राइवर है नहीं। राजेश प्रताप मल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एसएनईए गोरखपुर। ये हड़ताल 18 दिसंबर से चल रही है और ये हड़ताल 3 दिवसीय थी, परंतु अभी तक सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी निगोशिएशन करने के लिए हमारे सीएसक्यू लीडर के सामने प्रेजेंट नहीं हुई है। अतः ये हड़ताल हो सकता है कि आज के बाद से हमारे सीएसक्यू लीडर अनिश्चितकालीन कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हड़ताल की हमारी मुख्य मांगे, जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं, 4G स्पेक्ट्रम, बीएसएनएल बचाओ, देश बचाओ, जिसके वजह से हम एक रोल वैल्यू बीएसएनएल जो है जनता के लिए उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। अन्यथा ये जनता के सामने जब बीएसएनएल नहीं रहेगा तो जनता मजबूर हो करके अधिक से अधिक पैसे देने के लिए विवश हो जाएगी प्राइवेट ऑपरेटर्स को। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा हमें 4G नहीं दे रही है, इसके विपरीत हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। साथ साथ में वो हमें सामाजिक आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर रहे हैं, ताकि हम सक्षम ही न रह जाएं और इस तरह से छोटे मोटे कार्यक्रम के दौरान हम बीएसएनएल को और तबाह कर दें। जैसे कि आपको बता दूं, आज की डेट में हमारे गोरखपुर में बीएनजी फेल है, जिसके वजह से बस्ती, देवरिया और गोरखपुर, फैजाबाद आइसोलेट है, काफ़ी सर्विसेज प्रभावित है। इस प्रभाव से हमारी जनता का ही नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं। मांगे तो बहुत हैं, लेकिन हमारे बीएसएनएल का सर्वाइवल मुख्यतः हमारी मांग है। हमें 4G स्पेक्ट्रम दे, बीएसएनएल बचाएं, देश बचाएं। आप सभी सहयोग प्रदान करें ताकि ये देश की जनता की जीत हो। धन्यवाद।